क्या जय सिंह जी को वापस लाने की कमाई लगी हुई है? आप दादा बता सकते हैं कि जैसे भगत जी ने कहा बड़े समय से कुछ कहा है कि 80% लोग उनके पास नहीं चुका है, लेकिन आप उन्हें एक ही हिसाब लेके जा सके तो आप दादा बता सकते हैं कि पॉपुलरिटी हो गई है एक बार। दूसरा जहाँ हम नाम मान देखिए हमसे प्रदूषण का मामला है, इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी को ट्रांसमिशन हो गया है, उसने इंग्लैंड में रिवाइज हो गई है। तो अभी जो हमारा नाम गया था अखबार में पढ़ा हुआ, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी गया हुआ है, बच्चे मुझे उसको देख रहा है कैसे हो गए हैं और बच्चे को उसी को फैसला करें कितने बच्चे छब्बीस छब्बीस को आते हैं हमारी एक महीने का भरोसा। तो अभी उसके बाद में हमें जांच की जाएगी और उनका जो हमारे आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। जय इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन आपस में ख्याल डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जो पूछना चाहता हूँ, पार्टी है कहाँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है? हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व थे, इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहाँ, थी कहाँ, ऑफिस कहाँ है? लेकिन हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहाँ है, हम इन लीगल चीजों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क प्रस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं, हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं एज MLA, एज CLP लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहाँ डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक्त कितने, सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानूनी नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, RBA, ANC इन लोगों के लिए यहाँ कानून नहीं था, वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, यहाँ कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहाँ के 7-8 हजार बच्चियां और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक्त में बना, हमारे वक्त में जहाँ सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीजन बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोजगार लोगों को हजारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं, आज हमारी रियासत खत्म कर दी है, आज डोगरा पहचान खत्म हो गई है, रियासत का कल्चर खत्म होने जा रहा है, रियासत की पहचान खत्म कर